ये लो फिर हम आ गए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं द टेक्निकल्स और चेंजिंग। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो भी क्रिएटर बिगनर है, जिन लोगों को मालूम नहीं चलता है कि कौन सा वीडियो में कौन सा टैग इस्तेमाल करना चाहिए, तुम्हारा वीडियो कितना व्यू जा रहा है, तुम्हारा वीडियो में कौन सा टैग ज़्यादा रैंक कर रहा है। तो इस चीज़ के जानकारी के लिए एक ऐसा एप्लीकेशन है जिस एप्लीकेशन के जरिए आपने अपना वीडियो एनालिटिक कर सकते हो, या तो आपका चैनल का पूरा एल्गोरिदम जो है आप वहां से स्टडी कर सकते हो। आगे में किस तरह का आप वीडियो बनाने से आगे में आपका वीडियो रैंक करेगा, इस चीज़ के जानकारी पूरा इसी एप्लीकेशन में आपको मिल जाएगा। दोस्तों ये जो एप्लीकेशन है ये फ्री है, या तो अगर आपने पेड वर्जन लेना चाहते हो तो इसको भी ले सकते हैं, लेकिन हम लोगों का जो काम है वो फ्री में चल जाता है। तो दोस्तों ये दोनों मोबाइल में भी अवेलेबल है, एज वेल एज आप अगर पीसी इस्तेमाल कर रहे हैं तो पीसी में भी अवेलेबल है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पहले आप अपना चैनल को जाइए क्रोम में, या तो आपने मोजिला फायरफॉक्स में ओपन कर लीजिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक डेमो वाला चैनल है जिसमें हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह का आप यहाँ पे वो एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने का जरूरत नहीं है, अगर पीसी में आप चेक कर रहे हो यहाँ पे जस्ट एक एक्सटेंशन डालना है। तो इसके लिए आपको सेटिंग में जाना पड़ेगा। पहले यहाँ पे देख सकते हैं मैं सेटिंग में जा रहा हूँ। सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे नीचे में एक दिख जाएगा एक्सटेंशन एंड थीम्स, तो इसको क्लिक करना है और यहाँ पे एक्सटेंशन को क्लिक करना है और यहाँ पे लिखना है जो सर्च बॉक्स यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे लिखना है TUBEBUDDY। जैसे ही आप एंटर करोगे दोस्तों आपको पहला में यहाँ पे एक ट्यूब बडी करके एक ऑप्शन दिख रहा है, इसको जैसे ही आप क्लिक करोगे आपको यहाँ पे एड टू फायरफॉक्स करने के लिए दिया गया है, इसको क्लिक करना है, ये आपका फायरफॉक्स में एड हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे मेरे को एक पूछ रहा है कि एड ट्यूब बडी दिस एक्सटेंशन विल हैव परमिशन टू एक्सेस योर डेटा फॉर ऑल वेबसाइट, तो इसको यहाँ पे ऐड कर दीजिए और यहाँ पे ओके कर दीजिए। और यहाँ पे आप देख सकते हो ट्यूब बडी साइन इन रिक्वायर्ड करके पूछ रहा है, और इसको जैसे ही क्लिक करोगे आप इसको ऑल में सिलेक्ट कर लीजिए, आई हैव रीड ऑल एग्री टर्म एंड कंडीशन साइन इन विथ यूट्यूब, यहाँ पे चले जाइए और आपका यूट्यूब वाला जो चैनल है उसी हिसाब से इसको लॉग इन कर लीजिए। जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे आपको यहाँ पे सारे परमिशन पूछेगा और इसको आप अलाउ कर दीजिए। जैसे ही आप सक्सेसफुली ऐड हो जाएगा यहाँ पे ट्यूबबडी का एक लोगो दिख जाएगा, जैसे ही आप क्लिक करोगे ये यहाँ पे सारे कुछ आपको मिल जाएगा, माई अकाउंट से लेकर सारे सपोर्ट वगैरह, वीडियोस, लाइव स्ट्रीम, डेटाबेस, सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पे। सबसे दोस्तों बड़ी बात यह है कि यहाँ पे कीवर्ड एक्सप्लोरर मिल जाता है, एसईओ करने के लिए मिल जाता है। जो भी जिन लोगों को एसईओ के बारे में पता नहीं है वो वीडियो जाके देख सकते हैं, मेरा चैनल में अवेलेबल है। अगर आपको इस चीज़ के और भी जानकारी चाहिए तो डायरेक्ट यहाँ पे एसईओ स्टूडियो में जाने से आपको पूरा आपको इस तरह का इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। जिस सब्जेक्ट के ऊपर आपने वीडियो बना रहे हैं यहाँ पे पेस्ट करके स्टार्ट करने से आपको सारे जानकारी इस तरह का मिल जाएगा, कौन सा चीज़ ज़्यादा रैंक करेगा, तो आपको यहाँ पे एसईओ करने के लिए मिल जाता है। तो ये सबसे बेहतरीन ऑप्शन है। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं ट्यूबबडी करके एक ऑप्शन दिख रहा है, हर एक वीडियो का नीचे आपको मिल जाता है, हर एक वीडियो के नीचे इस तरह का एक लिंक आपको मिल जाएगा जिसमें कि वीडियो के बारे में सारे जानकारी यहाँ पे अवेलेबल है, किस तरह का आप वीडियो अपलोड करना चाहिए, कौन सा कीवर्ड ज़्यादा रैंक कर रहा है, ये सारे चीज़ यहाँ पे आपको मिल जाता है। अगर आपने मोबाइल में करते हैं तो मोबाइल में ये एप्लीकेशन मिल जाता है, डायरेक्ट आप जाके प्ले स्टोर से इसको ट्यूबबडी करके सर्च करने से आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा। आपका YouTube ID से आप लॉगिन कर लीजिए तो आपको बेहतरीन ऑप्शन वहाँ पे सारे मिल जाएंगे। तो आशा करते हैं ये जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। दोस्तों अगर इस तरह का वीडियो आगे में भी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल में सिलेक्ट कर दीजिए कि नोटिफिकेशन जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको मिल सके। तो आज के लिए तो इतना था दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नया एपिसोड के साथ, एक नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मैं रहता हूँ दोस्तों, धन्यवाद, गुड बाय।